हेलो बच्चों, आई एम रुचि फ्रॉम न्यू हैप्पी कैमरी स्कूल। बच्चों, ये हमारी हिंदी व्याकरण की बुक है, ध्यान से देखेंगे सब बच्चे। आज हम हिंदी व्याकरण की बुक में चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं, वर्ण। इंग्लिश में हम इसको कहते हैं अल्फाबेट। चलिए अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बोलते समय मुंह से कुछ ध्वनियां निकलती हैं, ये ध्वनियां जब लिखी जाती हैं तो वर्ण कहलाती हैं। जब हम ध्वनियों को लिखते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, वर्ण बोलते हैं। ठीक है, वर्ण को हम इंग्लिश में बोलते हैं अल्फाबेट। वर्णों के दो भेद हैं। वर्णों के हमारे कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर को हम इंग्लिश में कहते हैं वोवल्स और व्यंजन को हम कहते हैं कॉन्सोनेंट्स। सबसे पहले हम स्वर पढ़ेंगे, अ आ ई ई उ ऊ रु ए ए ओ ओ अं अह, और ये हमारी अ के ऊपर चंद्र बिंदी लग गई। ठीक है, अब देखो ये हमारी, इसमें हमारी छोटे अ में कोई मात्रा नहीं होती। ठीक है, ये हमारी बड़े अ की मात्रा होती है। छोटी की मात्रा हम आगे लगाते हैं और बड़ी की मात्रा हम पीछे लगाते हैं। ये हमारे छोटे उ की मात्रा हो गई और ये हमारी बड़ी उ की मात्रा हो गई। यह हमारी ऋषि की, ठीक है, यह हमारी छोटे ए की मात्रा है। छोटे ए की मात्रा में हम ऊपर एक बारी मात्रा लगाएंगे और यह हमारी बड़े ए की मात्रा है। बड़े ए की मात्रा में हम इधर दो बारी मात्रा लगाएंगे। ठीक है, यह हमारी छोटे ओ की मात्रा है। छोटे ओ की मात्रा नीचे हम आकर डंडा डालेंगे और ऊपर एक बारी मात्रा लगाएंगे। बड़े ओ की मात्रा में नीचे डंडा डालेंगे और दो बारी मात्रा लगाएंगे। ठीक है, यह हमारी अंक की बिंदी होती है। ठीक है, यह हमारी आह की मात्रा होती है। यह हमारी चंद्र बिंदी होती है। ठीक है, यह हमारी चंद्र बिंदी वाली मात्रा है। चलिए, हमारे स्वर कितने होते हैं बेटा, 11 स्वर होते हैं। ठीक है, अब हम व्यंजन पढ़ेंगे। व्यंजन हमारे कितने होते हैं, व्यंजन हमारे 33 होते हैं। ठीक है, क से ह तक हमारे व्यंजन होते हैं। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क ख ग घ ड च छ ज झ इह ट ठ ड ढ अणा खाली त थ द ध न प प ब भ म य र ल व श श स ह श्रे त्रि ज्ञ श। ठीक है, हमारे व्यंजन कितने होते हैं, 33। अब मैंने आपको ये स्वर और व्यंजन पढ़ाए हैं ना, अब हम इसकी बुक एक्सरसाइज करेंगे। हमारा पेज नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर 1 है, नीचे दिए गए चित्रों के नाम बोलो, उनके शुरू की ध्वनि वाले वर्ण पर राइट लगाओ। ठीक है, जो भी आपको नीचे वाले ये पिक्चर दे रखी है, जिस अक्षर से ये पहला, जिस वर्ण से ये स्टार्ट होता है, उस पर हमने क्या लगाना है, टिक लगाना है। ठीक है, क वाला इसमें पहली पिक्चर कौन सी है, पतंग। पतंग है ना, तो इस पे हमने क्या लगा दिया, राइट लगा दिया। ठीक है, ख। अब इस चित्र में किसकी पिक्चर दे रखी है,
शलगम की, इसका पहला वर्ण क्या होगा? श। तो इस पे हम क्या लगा देंगे? राइट लगा देंगे, ठीक है। इस पे हमें कौन सा चित्र दे रखा है? मटर। ग म य स म, ठीक है। ये हमें क्या दे रखी है? बतख। किससे स्टार्ट होगा? इसका पहला वर्ण ब, ठीक है। तो इस पे हम क्या लगा देंगे? टिक लगा देंगे, ओके। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड, नीचे लिखे वर्णों में व्यंजनों को छांटकर उसमें रंग भरो। इसमें आपको व्यंजनों को छांटकर इसमें कलर भरने हैं, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू पेज नंबर सिक्स का, नीचे चित्र और उसके नाम का पहला वर्ण दिया गया है, उनका सही मिलान करो। अब आपको मिलान करना है, ये सबसे पहले किसका चित्र है? डमरू। ड कहाँ पे लिखा है? ये रहा, इसको इससे मिला दोगे, ठीक है। उसके बाद क्या है सेकंड चित्र में? छाता। छ, इसका पहला वर्ण क्या है? छ, तो इसको छ से मिला दोगे, ठीक है। ये किसका चित्र है? टमाटर। इसका पहला वर्ण क्या है? ट, तो इसको इससे मिला दोगे, ओके। और इस चित्र में किसकी पिक्चर है? इसका पहला वर्ण क्या होगा? उल्लू। ऊ, तो इसको ऊ से मिला दोगे, ठीक है। ये किसका चित्र है? कबूतर। इसका पहला वर्ण क्या होगा? क, तो इसको कबूतर से मिला दोगे, ठीक है। अब देखो फोर्थ वाला करा रही हूं आपको मैं। वर्णमाला के अनुसार अगला वर्ण लिखो। इसमें आपको अगला वर्ण लिखना है। ग के बाद हमारा क्या आता है? घ, तो इधर आप घ लिखोगे, ठीक है। ध के बाद क्या आता है? न। छ के बाद क्या आता है? ज। बा के बाद क्या आता है? भ। ट के बाद क्या आता है? ठ। ल के बाद क्या आता है? व। त के बाद क्या आता है? थ। स के बाद ह। अब क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखो, वर्णमाला के अनुसार पहला वर्ण लिखो। इसमें आपको पहले वाला वर्ण लिखना है, इसमें आपको बाद का लिखना था, इसमें पहले का, ठीक है। अब घ से पहले क्या आता है? ग। ध से पहले द। द से पहले घ। छ से पहले च। र से पहले य। श से पहले श। न से पहले ध। और म से पहले भ, ठीक है। ये बच्चों आपको ये पूरी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4, 5 आप बुक में इसको कंप्लीट करोगे, ओके। और क्वेश्चन नंबर 2 आपका होमवर्क है, ये आपको होमवर्क से करना है। और जिन बच्चों ने अपना बुक सेट परचेज नहीं किया है, वो बच्चे अपना बुक सेट परचेज कर लोगे। थैंक यू सो मच।